हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल RCA टू जेड में। तो आज हम बनाने वाले हैं कंट्रोल हॉर्न। ये कंट्रोल एकदम प्रोफेशनल लेवल का कंट्रोल हॉर्न रहेगा, जैसे मार्केट से ख़रीदते हैं वैसा ही रहेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कंट्रोल हॉर्न बनाने के लिए आपको एक PVC पाइप का टुकड़ा और एक खराब होल्डर का ज़रूरत पड़ेगा और एक पेपर। और सबसे पहले आप PVC पाइप को आड़ी के मदद से एक तरफ से काट दे। उसके बाद उसको गैस पर या फिर कैंडल पर गर्म करके उसका एक प्लेन शीट बना ले, जैसा कि मैंने वीडियो में बनाया है। उसके बाद आप पेपर ले लीजिए और पेपर पर एक लाइन खींचिए और उस लाइन पर 1 सेंटीमीटर पे मार्क करके उस पे दो ऊपर की ओर दो लाइन खींचिए। बिल्कुल वैसे ही खींचिए जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और एक लाइन को 2 सेंटीमीटर पर मार्क कीजिए और एक लाइन को 1.5 सेंटीमीटर पर मार्क कीजिए। फिर 1.5 सेंटीमीटर वाला मार्क किया पर एक और लाइन खींचिए और उस पर 1 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए। 1 सेंटीमीटर पे जो मार्क किए हैं उस पर एक और रेखा खींचिए और उस रेखा पर 2 सेंटीमीटर पर मार्क कर लीजिए। उसके बाद उस मार्क पे थोड़ा सा आगे मुझे घुमाकर उसको पीछे वाली रेखा जो 2 सेंटीमीटर पे मार्क किए हैं उस पर मिला दीजिए। उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को मिटा दीजिए और उसे एक चाकू या फिर कैंची के मदद से काट कर निकाल लीजिए। उसके बाद हमने जो PVC पाइप का शीट बनाया है उस पर इसको फेविकॉल की मदद से साट कर उसे कैंची की सहायता से काट लीजिए। उसके बाद आप होल्डर लीजिए और होल्डर के जो पीतल का लगा रहता है जिसमें बोल्ट टाइट होता है, जिसमें स्क्रू कसा जाता है, वो वाला निकाल लीजिए और उसका एक्स्ट्रा पार्ट को काट के हटा दीजिए। उसके बाद हमने जो कंट्रोल हॉर्न बनाया था उसमें एक छेद कर लीजिए और उसमें वो जो हम लोग पीतल का निकाले हैं होल्डर से उसको उसमें अच्छे से टाइट कर दीजिए। उसके बाद आप प्लास्टिक का एक टुकड़ा लीजिए जिसको बीच से काट कर उसमें कुछ इस तरह से लगा दीजिए जैसे कि हम वीडियो में लगा रहे हैं। अब हमारा कंट्रोल हॉर्न तैयार हो चुका है। अब आप इसे अपने प्लेन में लगा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है, मैं तो हमेशा अपने प्लेन में इसी का यूज़ करता हूँ। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।